फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी और बहुत ही क्रिस्पी बनने वाली चिकन 65। जी हाँ, ये चिकन 65 जो है बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए और ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल के लिए। यहाँ पर मैंने जो है मेहमानों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 kg ऑफ चिकन लिया है बोनलेस। इसमें मैं डालूँगी 2 tablespoons ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट हमें डालना है 2 tablespoons भर के। और फिर इसमें हम डालेंगे चिली पाउडर, चिली पाउडर जो है आप अपने हिसाब से डालेंगे। लोग तो बहुत ही तेज़ खाते हैं, तो यहाँ पर मैंने 4 teaspoons भर के जो है रेड चिली पाउडर लिया है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। फिर इसमें हम डालेंगे 1 teaspoon ऑफ टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर डालना है हमें 1 चम्मच, चाय का चम्मच और 2 चाय के चम्मच हम इसमें डालेंगे। धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर डालना है हमें 2 चम्मच, 2 teaspoons। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर सॉल्ट, नमक भी आप अपने हिसाब से डालेंगे। हाँ, मैं डाल रही हूँ 1 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डालना है हमें 1 चाय का चम्मच। और हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये गरम मसाला मैं अपने घर में ही प्रिपेयर करती हूँ ये। फिर मैं कलर डाल रही हूँ, रेड ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है डालिए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 tablespoon ऑफ टमाटो केचप डालना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 tablespoon ऑफ लेमन जूस, और इसमें हम डालेंगे सब कुछ एक साथ ही डालकर मिक्स करना है बस। फिर इसमें हम डालेंगे 4 tablespoons ऑफ मैदा, या फ्लावर नंबर 1 के लिए कहते हैं, यहाँ दुबई में तो फ्लावर नंबर 1 डाला है मैंने 4 tablespoons। सब कुछ एक साथ में ही डालकर हमें जो इसे मिक्स करना है, इसीलिए अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 tablespoons ऑफ कॉर्नफ्लावर, 2 tablespoons डालना है, तो 4 tablespoons मैदे का आटा और 2 tablespoons कॉर्नफ्लावर डालना है, मकई का आटा। अब इस सबको डालने के बाद में हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि एक एक चिकन जो हमारी इस मिक्सचर से जो है कोट हो जाए, मसाला जो अच्छी तरीके सबको लग जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें, ये देखिए कितनी अच्छे से कोट हो चुका है। अब जो हो इसमें हम डालेंगे 1 अंडा, फेंट कर डालना है, ऐसे मत डालिएगा, 1 अंडा हमें इसे फेंट कर डालना है। और फिर वापस से हम इसे मिक्स करेंगे। अंडे से जो है बाइंडिंग अच्छी होती है, जो आटा जो है वो निकलता नहीं है फ्राई करने के वक्त, अच्छा चिपका हुआ होता है। अब इसे जो हम मैरिनेट कर लेंगे 2 घंटे के लिए। अगर ऐसे भी होता है कि हमें बहुत कुछ पकाना होता है मेहमान के वक्त, तो हम इसे रात को भी लगा कर मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं, तो इससे क्या है और मसाला अच्छे से लग जाता है। तो 2 घंटा हो चुका है मैरिनेशन के लिए। अब जो हम अपने चिकन को फ्राई करेंगे, तो मैंने यहाँ पर तेल ले लिया है, चलिए चेक करते हैं तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। देखिए ऐसे सीजन होना चाहिए, अच्छा तेल अच्छा गर्म होना चाहिए हम लोग को। तो ये देखो अच्छा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम अपने डालेंगे हमारे चिकन को फ्राई करने के लिए। तो चलिए चिकन को दूर दूर तक डाल, दूर दूर डालिएगा ताकि इसे चिपके ना एक दूसरे चिकन, तो मैं दूर दूर से डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लावर से जो है क्रिस्पीनेस आता है चिकन में, तो बहुत ही अच्छी बनती है हमारी चिकन 65। आप कोई भी स्टेप स्किप मत करिए, देखिए मैं किस तरह से अच्छे से करती हूँ। बाद में फिर मिस्टेक हो जाती है, चिकन हमारी अच्छी नहीं बनती है, बराबर नहीं होती है। तो ये डालने के बाद में हम शायद इसे मीडियम फ्लेम पे, हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, ताकि वो क्रिस्पी और अच्छी बने। घाई नहीं करिएगा, फास्ट करके मत पकाइए, तो चिकन हमारी जो अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए इसे मीडियम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि क्रिस्पी और अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए हमारे चिकन। देखिए कितनी खूबसूरत कलर आया है हमारे चिकन का, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो देखिए हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं पेपर टॉवल पे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, मैंने बहुत थोड़े से पीस पहले भी खाए हैं, पकाते पकाते थोड़ा बहुत पहले भी खा लिया है, बहुत अच्छा लगता है। अब जो हम इसके टेम्परिंग बनाएंगे, टेम्परिंग के लिए चिकन 65 के लिए यहाँ पर मैंने स्लिट ग्रीन चिलीज ले लिया है, ग्रीन चिली को हमने बीच में से कट कर लेना है, और कुछ करी लीव्स लिया है। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे 1 tablespoon ऑफ ऑयल, एक पैन में 1 tablespoon ऑफ ऑयल डालना है। उसके बाद ये गर्म होने के बाद में हम इसमें डालेंगे हमारे मिडल से स्लिट किए हुए ग्रीन चिलीज डालना है। ग्रीन चिलीज अपने हिसाब से डालिए, ये ग्रीन चिली फ्राई हुई ग्रीन चिली बहुत टेस्टी लगती है, मैं ज़्यादा ही डालती हूँ इसको खाने के लिए। और फिर हम इसमें डालेंगे हमारे करी लीव्स, कड़ी पत्ता डालना है, कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे चिकन के अंदर। इसको हल्के से सॉटे करना है 1 मिनट के करीब, अच्छे सॉटे होने के बाद में हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा, तो फिर हमें इसके अंदर अपनी जो है चिकन को जो हमने फ्राई किया था वो इसमें हम डाल देंगे। ये अच्छे से थोड़ा फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम अपना चिकन डाल देंगे। ये देखिए मैंने जितना भी चिकन फ्राई किया था वो पूरा इसमें डाल दिया है,
और फिर हमें बस एक मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स करना है हमारे, ताकि जो करी लीव्स का जो मज़ा है वो इसमें आ जाए चिकन के अंदर। और ये देखिए हमारा जो चिकन जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है, चलिए इसे सर्व करते हैं। और ये देखिए हमारा चिकन 65 रेडी हो चुका है, ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी, और ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को शब गैलरी। थैंक यू फ्रेंड्स।